हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र काले। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सत्यजीत शील भाई की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1958 में हुई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। यहाँ ये गेम खेली गई थी अमेरिकन चेस मास्टर पॉल मर्फी और इंग्लैंड के चेस मास्टर थॉमस विल्सन बर्नेस के बीच में। फ्रेंड्स, गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खासकर इसकी एंड गेम तो देखने लायक है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधे इस गेम को ही शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की पॉल मर्फी ने e4 के साथ, तो f6 यहाँ थॉमस ने किया। d4 देन e6, बिशप d3 देन नाइट e7, काफ़ी अनयूजल ओपनिंग है। और इस तरह की ओपनिंग से ब्लैक की पोजीशन काफ़ी क्रैम्प्ड है। इनफैक्ट वाइट के पास यहाँ चांस है एक चेक देने का। अगर यहाँ वाइट अपने इस ई पॉन को आगे बढ़ दे तो हो सकता है उसे यहाँ कुछ फ़ायदा भी मिल जाए। लेकिन पॉल मर्फी ने यहाँ पहले किया बिशप e3 देन d5, नाइट c3, तो d takes e4, नाइट टेक्स e4 देन नाइट d5। और यहाँ गेम की शुरुआत में ही बिशप पर अटैक है, तो नाइट s3 यहाँ पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा अजीबोगरीब। अगर यहाँ ब्लैक इस ई पॉन को आगे पुश कर दे तो वाइट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो यहाँ देखनी ही है। तो बिशप e7 यहाँ पहले थॉमस ने किया। क्वीन h5 चेक, और जिस चेक के बारे में मैं पहले कह रहा था वो यहाँ वाइट ने एट लास्ट दे ही दी। g6 इसका डिफेंस होना था, लेकिन अगर यहाँ ये बिशप किसी तरह का अटैक बना पाता तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ मर्फी को मिल सकता था, पर अभी ऐसा है नहीं। तो वाइट ने यहाँ किया क्वीन h6, पहले अपने क्वीन को बचाया। तो बिशप f8, वापस क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गए h4 स्क्वायर पर, देन बिशप g7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। ब्लैक का कैसलिंग पॉइंट काफ़ी अजीबोगरीब है। वैसे अभी इतना स्ट्रॉन्ग गेम प्ले नहीं है, यहाँ इस g5 स्क्वायर पर वीकनेस है। वाइट अगर यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो ज़रूर इस g5 स्क्वायर से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता। तो अब यहाँ वाइट और क्या कर सकता है, बिशप h5, हाँ बिशप एक्सचेंज ऑफर दे सकता है और इसके बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ सकता है। लेकिन यहाँ वाइट ने किया था c4, नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट गया e3 स्क्वायर पर बिशप के एक्सचेंज के साथ। f takes e3 देन f5, नाइट पर अटैक, तो अब यहाँ वाइट क्या करे, क्वीन एक्सचेंज कर ले, क्वीन टेक्स d8, तो रुक टेक्स d8 देन, और उसके बाद यहाँ वाइट अपने इस नाइट को बचा सकता था c3 e3 जहाँ भी। लेकिन अभी यहाँ मर्फी ने कनेक्शंस नहीं की, उन्होंने आपने इस नाइट को g5 स्क्वायर पर रखा। और फ्रेंड्स, यहाँ इस g7 स्क्वायर पर चेक मेट की थ्रेड थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। h6 के बाद ये सारा अटैक नल एंड वॉइड हो जाता है। नाइट f3 ऑफरिंग कनेक्शंस, लेकिन अभी यहाँ ब्लैक ने कनेक्शंस नहीं की, e5 किया, क्वीन टेक्स d8, रुक टेक्स d8। और यहाँ क्या ब्लैक किस ई पॉन को आगे पुश कर सकता है? खैर, पहला मूव वाइट का होगा, तो इस ई पॉन को आगे बढ़ने वाली प्रॉब्लम से वाइट किस तरह से बच सकता है? एक तरीका है c5 करने का, और आप यहां देख सकते हैं कि एक चेक के साथ ये बिशप बच जाएगा, और उसके बाद कहीं किसी अच्छे स्क्वायर पर ये नाइट। और अगर हम यहां से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक, ठीक है, अब ई पॉन तो आगे पुश नहीं कर सकता, तो e takes d4 होगा, तो बिशप c4 चेक, तो किंग जाएगा h8 स्क्वायर पर, देन knight takes d4, knight c6। खैर, गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी knight takes c6, b takes c6, पर यहाँ मर्फी ने किया था बिशप c2, पहले ही अपने बिशप को बचा लिया। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, ब्लैक को मेरे ख्याल से अपने डेवलपमेंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया e takes d4, तो e takes d4 देन bishop takes d4 चेक, knight takes d4, rook takes d4। और अभी भी यहाँ ब्लैक ने अपने पीसेस डेवलप नहीं किए हैं। वाइट ने यहाँ किया रुक एट f goes to e1। वैसे वाइट का ये नाइट मुझे काफ़ी देर से कुछ सही स्क्वायर पर नहीं लग रहा था, तो इस नाइट को ज़रूर किसी बेटर स्क्वायर पर वाइट यहाँ प्लेस कर सकता था। यानी वे यहाँ वाइट की प्लानिंग है एक चेक देने के बाद इस बिशप पर अटैक बनाने की। तो किंग f7 यहाँ पहले थॉमस ने किया c5। क्या फ्रेंड्स, इस c5 मूव की ज़रूरत थी फिलहाल, क्योंकि ब्लैक का ये रुक एटलीस्ट इधर c5 स्क्वायर पर आ ही नहीं सकता, वजह आप खुद ही देख सकते हैं। खैर, मर्फी ने यहाँ c5 किया तो कुछ सोच कर ही क्या होगा, बिशप e6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुक एट a goes to d1, देन knight c6, ओके, रुक टेक्स d4, knight टेक्स d4, देन बिशप पर अटैक, तो बिशप गया
ए फोर स्क्वायर पर। वैसे यहाँ ये बिशप बेटर बी वन पर ही था, क्योंकि ए फोर स्क्वायर तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ब्लैक अगर इन पॉन्स को ही आगे बढ़ने लग जाए तो भी ये बिशप अटक सकता है, लेकिन ब्लैक को ज़रूरत ही क्या है जब उसे यहाँ ये फ्री पॉन मिल तो रहा है। लेकिन अभी यहाँ थॉमस ने इस फ्री पॉन को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया जी फाइव, तो रुक डी वन नाइट पर अटैक, तो रुक डी एट से यहाँ डिफेंस हुआ इस नाइट का। देन ए थ्री एफ फोर नाइट एफ टू देन नाइट ई टू चेक किंग एफ वन देन रुक टेक्स डी वन बिशप टेक्स डी वन देन नाइट डी फोर। और फ्रेंड्स जो पोजीशन ब्लैक की अभी कुछ देर पहले तक काफ़ी क्रैम्प नज़र आ रही थी, ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक के पीसेस ऑटोमेटिकली ही अच्छे स्क्वायर्स पर आ चुके हैं और वाइट को प्रॉब्लम हो रही है अपने नाइट और इस बिशप को कहीं मूव करने पे। किंग ई वन देन किंग एफ सिक्स किंग डी टू तो नाइट बी थ्री चेक, और यहाँ आप कह सकते हैं कि बिशप और नाइट आपस में एक्सचेंज करने की कोशिश की, जिसे पॉल मर्फी ने एक्सेप्ट किया जिस एक्सचेंज को। बिशप टेक्स बी थ्री बिशप टेक्स बी थ्री देन नाइट जी फोर चेक, तो किंग गया जी सिक्स स्क्वायर पर, यहाँ इस एच सिक्स पॉन का डिफेंस किया। देन जी थ्री एच फाइव नाइट को पहले हटाना ही होगा, तो नाइट गया एफ टू स्क्वायर पर, देन किंग एफ फाइव। वैसे क्या यहाँ ब्लैक को एफ टेक्स जी थ्री नहीं कर लेना चाहिए था, और उसके बाद यहाँ ये दो पॉन्स के सामने एक पॉन, शायद वाइट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन यहाँ ब्लैक ने कहा किंग एफ फाइव, तो किंग सी थ्री बिशप पर अटैक बनाया, लेकिन फ्रेंड्स कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ब्लैक चाहता तो कर सकता था एफ टेक्स जी थ्री और नाइट पर अटैक बना सकता था, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो वाइट को करना होता एच टेक्स जी थ्री, और उसके बाद ये बिशप बचाया जा सकता था डी फाइव या जो भी स्क्वायर ब्लैक यहाँ पसंद करता। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप डी फाइव, पहले अपने बिशप को ही बचा लिया, तो किंग डी फोर स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक, तो सी सिक्स सिंपल डिफेंस। देन बी फोर बिशप जी टू जी टेक्स एच फोर किंग टेक्स एच फोर। और फ्रेंड्स जिस बात का यहाँ थॉमस फ़ायदा उठा सकते थे, ये दो कनेक्टेड पॉन्स के सामने वाइट का सिर्फ एक ही पॉन है, तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वाइट के साथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ए फोर बिशप एफ वन देन नाइट ई फोर, और फ्रेंड्स यहाँ बिशप के एफ वन स्क्वायर पर आने के बाद एटलीस्ट अब यहाँ वाइट अपने इस बी पॉन को तो आगे पुश नहीं कर पाएगा। एच फोर यहाँ पहले थॉमस ने किया, और अब यहाँ क्या वाइट बी फाइव कर सकता है? नहीं, सी टेक्स बी फाइव के बाद अब क्या करेगा वाइट यहाँ ए फाइव, क्या किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है एक पासर निकालने की यहाँ इस पॉइंट पर? इतनी आसान नहीं होगी। पर यहाँ मर्फी ने किया था नाइट डी टू बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप गया ई टू स्क्वायर पर, द नाइट ई फोर जी फोर, और अभी भी ए फाइव की ऑप्शन तो थी, लेकिन ए फाइव से तो गेम मेरे ख्याल से वाइट के हाथों से यहीं निकल जाती। यहाँ मर्फी ने किया था नाइट एफ टू देन किंग एफ थ्री स्क्वायर पर, दोबारा नाइट पर अटैक, तो नाइट गया ई फोर स्क्वायर पर, बिशप एफ वन देन किंग ई फाइव बिशप डी थ्री नाइट पर अटैक, तो नाइट जी फाइव चेक किंग है जी टू स्क्वायर पर, और यहाँ ये ए टू पॉन बिल्कुल अनडिफेंडेड है, कोई भी तरीका नहीं है वाइट के पास उस ए टू पॉन की डिफेंस का। किंग डी सिक्स तो किंग टेक्स एच टू, और अब ये दो कनेक्टेड पॉन्स, वाइट को शायद इसी पॉइंट पर रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन मर्फी ने पहले किया किंग सी सेवन नो यूज जी किंग जी थ्री किंग टेक्स बी सेवन देन फाइनल मूव फ्रॉम थॉमस विल्सन वॉज एच थ्री। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद पॉल मर्फी ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ वाइट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक पॉन और ले सकता है, और उसके बाद पासर बहुत मुश्किल होगा यहाँ वाइट को ब्लैक से पहले, ब्लैक सिर्फ दो कदम के बाद ही अपनी क्वीन प्रमोट कर लेगा, तो शायद थोड़ा लेट ही था जब यहाँ पॉल मर्फी ने इस पॉइंट से रिज़ाइन किया। फ्रेंड्स एंड गेम को समझने के लिए ये गेम काफ़ी अच्छी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस गेम से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।